दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स यानी शब्द एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं हूँ ये दुनिया की सबसे दो पावरफुल यानी शक्तिशाली शब्दों में से एक नहीं बल्कि दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये मैं हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना ब्रो, क्योंकि मैं हूँ के बीच में किसी भी शब्द को लगा के आप कुछ भी बन सकते हो। आप अपने क्लास के टॉपर बनना चाहते हो एफर्मेशन से, ये आप कर सकते हो। आप किसी अच्छी जॉब को पाना चाहते हो एफर्मेशन से, वो भी संभव है। आप अपनी हेल्थ यानी स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हो, ये भी एफर्मेशन के जरिए आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यार अब ये मत सोचना कि मैं कोई सो कॉल्ड जादू टोना या फिर किसी तंत्र मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एफर्मेशन है। मैं जानता हूँ कि ये एक अजीब सा नाम है एफर्मेशन, पर ब्रो आप बस ये जान लो कि जो दो शब्दों की मैंने बात की ना, मैं हूँ, उसे ही एफर्मेशन कहते हैं। एफर्मेशन शब्दों का संयोजन जिसे आप बार बार सुनते हो अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए। दो सबसे शक्तिशाली शब्द मैं हूँ के बीच में आप कुछ भी लगा दो, उसे आप सच कर सकते हो। जैसे मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कुछ भी लगा दो इसके बीच में और समय के साथ साथ आप सच में वो बन जाते हो जो आप उन दोनों शब्द के बीच में लगाते हो, चाहे आपकी अभी की परिस्थिति कैसी भी हो। एफर्मेशंस को जब आप सुनते हो तब आप पर उसका असर होता है, मतलब ये शब्द आपके कान में जाना चाहिए। बस चाहे आप उसे खुद बोलकर अपने कान में भेज रहे हो या फिर अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके बार बार सुन रहे हो। अगर रिकॉर्ड कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप दिन के किसी भी वक्त उसे सुन सकते हो। और अगर आप बैठ के एफर्मेशंस बोलोगे तो सुबह का वक्त आपके लिए सबसे अच्छा होता है। पर मैं आपको यही कहूँगा कि एफर्मेशंस को आप अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करके उसे सुनना। एफर्मेशंस में आप सकारात्मक बातें बोलते हो अपने आप को लेकर, पर आप मुझसे ये कहोगे कि अरे यार ये तो सबको पता है कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, इसमें क्या नया है। पर दोस्त यही तो बात है, एफर्मेशंस और सकारात्मक सोच में बहुत अंतर है, ये दोनों अलग चीजें हैं। पॉजिटिव सोचो सकारात्मक सोचो सब कहते हैं, पर असल जादुई चीज जो आपके फायदे की है वो तो कोई बताता ही नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस में ये अंतर है कि पॉजिटिव थिंकिंग में आप ये कहते हो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरी लाइफ मस्त होगी। सकारात्मक सोच से ज्यादा अच्छी एफर्मेशंस इसलिए है क्योंकि सकारात्मक सोच में आप ये बोलते हो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, होगा। जब आप होगा बोलते हो या सोचते हो तब आप फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में बोलते हो कि हाँ मैं टॉप करूंगा। इससे आपका दिमाग ये सोचता है कि आप इन सब चीजों को अभी नहीं बल्कि फ्यूचर यानी भविष्य में पाना चाहते हो। पर एफर्मेशंस में आप ये कहते हो कि मैं टॉपर हूँ, मैं अमीर हूँ, वही बात मैं हूँ के बीच में ये वर्ड मैं टॉपर हूँ, मैं अमीर हूँ। एफर्मेशंस जब आप रिकॉर्ड करके सुनोगे या फिर बैठ कर ही बोलोगे तब आपको विजुअलाइज करना होगा यानी सोचना होगा कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में आपके पास पहले से ही वो चीजें हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। मतलब आप बिल्कुल बिंदास ये सोचना कि आपके पास तो वो पहले से ही है, ना कि आपको भविष्य में चाहिए। आपको ये फील करना होगा कि आप पहले से ही टॉपर हो। भाई जानता हूँ अगर आप अपने क्लास वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इसकी मदद से मैं अच्छा अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। टॉपर नहीं हो तो आप मेरे से कहोगे कि अरे क्या कह रहे हो भाई, टॉपर तो वो फेमस शर्मा जी का लड़का है। भाई यही तो सीक्रेट है, एफर्मेशंस ऐसे ही काम करता है। जैसा कि मैंने कहा, जब आप बोलोगे कि मैं टॉपर हूँ तब आपका दिमाग तुरंत कहने लगेगा और आपको एफर्मेशंस में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। दिमाग ये कहेगा कि हट तू थोड़ी ना टॉपर है। आप बोलोगे मैं बहुत अमीर हूँ तब आपका दिमाग नहीं मानेगा। पर इसे ही तो रोकना है। चाहे आपका दिमाग कुछ भी बोले आपको बस बोलते रहना है या फिर सुनते रहना है।
अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो जब आप ये बोलते हो कि मैं टॉपर हूँ तो आपका दिमाग शुरू में नहीं मानता कि आप टॉपर हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को पहले से ही ये बता के रखे हो कि आप एक ठीक ठाक अच्छे खासे एवरेज स्टूडेंट हो। पर जब आप एफर्मेशन कहते हो तब आपका दिमाग ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता और आखिर में उसे मानना ही पड़ता है कि आप एक टॉपर हो। देखो, आपका जो ये शरीर है ना, ये आपके दिमाग के हाथ में है। आपका जो मूड है वो भी आपके दिमाग के पास है। आपके अंदर कितनी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस है वो भी आपके दिमाग के पास ही है। किसी चीज को समझने की शक्ति आपके पास कितनी है वो भी आपके दिमाग के हाथ में ही है। आपकी मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति कितनी है वो भी आपका दिमाग ही तय करता है। तो साइंस ये है कि जब आप एफर्मेशंस बोलते हो ना, तब आप अपने दिमाग को चेंज करने पे मजबूर कर देते हो। आप अपनी एक इमेजिनेशन यानी सोच को रियलिटी यानी वास्तविकता में बदल देते हो। मैं टॉपर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं निडर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये बोलने से आपका दिमाग सच में ये सोचने लगता है कि आप सच में ये सब हो, भले ही आप ये सब असल में ना हो। अब आपके दिमाग के पास आंख थोड़ी ना है कि वो देख पाए कि असल में बाहर क्या चल रहा है। आपका दिमाग तो उस बड़े से कंकाल के अंदर है, इसलिए आप अपने दिमाग को आराम से कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, आप हो, आप सच में स्मार्ट हो, आप सच में अमीर हो, आप सच में होशियार हो। अब जब दिमाग मान लेता है कि आप ये सब हो, तो वो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी केमिकल्स रिलीज करने लगता है जिससे आप निडर हो जाते हो। ऐसी ऊर्जा आने लगती है जिससे आप होशियार बन जाते हो। ये कहा गया है, बहुत महान लोगों ने इस बात को माना है कि यू कांट से समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग एंड नॉट हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट थिंग मैनिफेस्ट। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफर्मेशंस काम ना करे। आप जब एफर्मेशंस बोलते हो तो वो चीज आपके जिंदगी में ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब हर परिस्थिति में एफर्मेशंस काम करती है। धरती क्या घूमना बंद कर सकती है? नहीं ना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिल्कुल वैसे ही एफर्मेशंस भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब ये हर जगह हर परिस्थिति में काम करती है। एफर्मेशन का इस्तेमाल करके दुनिया के बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अगर आपका मार्क्स अभी अच्छा नहीं आता तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या सच में एफर्मेशन से मेरी मार्क्स अच्छी हो सकती है। आपका दिमाग कहेगा कि अभी की सिचुएशन यानी परिस्थिति में ऐसा लग तो नहीं रहा कि मैं पूरे क्लास को पछाड़ के टॉप पोजिशन में पहुँच जाऊंगा। पर दोस्त, ये जान लो कि ये पूरी तरह से संभव है। मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप एफर्मेशंस बोलोगे और बस मार्क्स आ जाएगी जिसपे लिखा होगा 100 out of 100। इसके पीछे लॉजिक भी तो है। आप एफर्मेशंस कहोगे उसके चलते आपका दिमाग ऐसा बन जाएगा कि आपको पढ़ने में भी इतना मजा आएगा जितना आपको एक क्रिकेट मैच को देखते समय लगता है या फिर मोबाइल फोन में गेम खेलते समय लगता है। आप ही बोलो, क्या मजेदार लाइफ होगी जब पढ़ने में भी इतना मन लगेगा। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत गरीब थे, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं था, पर एफर्मेशंस की मदद से उन्होंने अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया। पर जैसा कि मैंने कहा, मेन बात ये है कि जब आप एफर्मेशंस बोल रहे होगे या फिर सुन रहे होगे तब आप बिल्कुल फील करना कि आप ये ऑलरेडी हो। ये सबसे सबसे मेन पॉइंट है। हमारे देश में बहुत कम ही लोगों को एफर्मेशंस के बारे में पता है और आप उन लकी यानी भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिनको इसके बारे में अब पता चल गया है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल्स में भी इसके बारे में बताया जाए, पर स्कूल्स का तो क्या कहना। आजकल के स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है। स्कूल्स में ये बोला नहीं फोर्स किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर ये कोई नहीं बताता कि कैसे पढ़ो। सिंपल सी बात है, पढ़ने के लिए आपका दिमाग आपके साथ होना चाहिए। किताब जब उठाते हो तब नींद आने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ नहीं है। सिंपल सी फैक्ट है, आपका दिमाग हेल्दी होगा, शांत होगा, तभी ना आप पढ़ पाओगे। और आपके फायदे की बात ये है कि मैं टॉपर हूँ, इस एफर्मेशन से आपका दिमाग आपके साथ होने लगता है, आपका दिमाग शांत होने लगता है। तो कैसे पढ़े, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है ये वाला एफर्मेशन। लेकिन ये सब तो कोई स्कूल में बताएगा नहीं, पर मेरे भाई और बहन,
आपका और मैं आपको ऐसी ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा जो अभी तक जमीन के नीचे गड़ी हुई थी। अभी तो बस शुरुआत है। मैं आपको एक ऐसा इंसान बना के रहूंगा जो आप बनना चाहते हो। आपको वो सब दिला के रहूंगा जो आप चाहते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अफर्मेशंस के बारे में इतनी बातों को जानने के बाद क्या आप अफर्मेशंस को ट्राई करना चाहते हो? नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। फैक्टे को सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करना, वहाँ पर हर रोज कुछ न कुछ पोस्ट होती रहती है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले।